अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिग्मा मोटर्स। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है टोयोटा राइज़, 1000 CC ट्विन टर्बो के साथ टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी, पर्ल वाइट कलर, 2019 मॉडल और 2021 की क्लियर। आए इसका रिव्यू करते हैं। अगर हम इसकी हेडलाइट्स की बात करें तो इसकी हेडलाइट्स में आपको डेलैम्प नज़र आ रहे हैं और इसी के नीचे SMDs लगी हुई नज़र आ रही हैं। टोयोटा राइज़ के अंदर फ्रंट कोलिजन रडार दिया गया है, इसके अलावा इसमें फ्रंट रडार भी है और लेन असिस्ट भी है। अगर आप इसके बम्पर के नीचे देखें तो आपको सेंसर लगा हुआ नज़र आ रहा है और उसी के नीचे देखिए तो आपको डे लैंप लगा हुआ नीचे भी नज़र आ रहा है और बिल्कुल उसके नीचे स्पॉटेड फॉग लैंप भी नज़र आ रहे हैं। अगर आप इसके बम्पर की बात करें तो बम्पर के नीचे आपको एक लिप लगी नज़र आ रही है जिससे गाड़ी की खूबसूरती मज़ीद इंक्रीज़ हो जाती है। अगर फ्रंट ग्रिल की बात करें तो इंतहाई खूबसूरत ग्रिल दिखेगी जिसके अंदर फ्रंट कोलिजन रडार इंस्टॉल्ड है। अगर हम इसके टायर साइज़ देखें तो ये 17 के अलॉय रिम के साथ है ये गाड़ी। साइड स्कर्ट्स इसमें इंस्टॉल्ड हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसी के साथ अगर आप इसके साइड मिरर्स को देखेंगे तो साइड मिरर के अंदर आपको नीचे कैमरा लगा नज़र आएगा जो कि 360 व्यू देता है आपको, जिसे हम बर्ड आई व्यू भी कहते हैं। प्लस इसके अंदर आपको रिट्रैक्टेबल मिरर के साथ साथ इंडिकेटर भी इसके अंदर ही मिलते हैं। अगर आप डोर हैंडल्स की बात करें तो वो क्रोम के अंदर हैं और वो टच पैनल के साथ हैं। टोयोटा राइज़ के डोर्स को देखें तो इसके ऊपर आपको बाय डिफ़ॉल्ट टोयोटा के अपने एयरपैड्स लगे हुए नज़र आ रहे हैं जिससे गाड़ी मज़ीद खूबसूरत लगती है। अगर हम बैक लाइट्स को देखें तो बैक लाइट्स बड़ी खूबसूरत ऑडी स्टाइल में बनाई गई हैं जिसमें SMDs लगी हुई हैं। बैक बम्पर के ऊपर आपको पार्किंग सेंसर लगा हुआ नज़र आ रहा है प्लस रिफ्लेक्टर लगा हुआ नज़र आ रहा है। जापानीज जितनी भी फुल ऑप्शन गाड़ियां आती हैं इनमें बैक वाइपर इंस्टॉल्ड होता है। अगर हम बैक ट्रंक की बात करें तो बड़ा स्पोर्टी बनाया हुआ उन्होंने, ऊपर आपको स्पॉयलर लगा हुआ नज़र आएगा और स्पॉयलर के अंदर बैक लाइट इंस्टॉल्ड है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हम टोयोटा राइज़ की ट्रंक स्पेस की बात करें, उसकी ट्रंक स्पेस बहुत मज़े की है, इसमें बड़े आराम से आप 3 से 4 लगेजेस रख सकते हैं। अगर आप स्टेयरिंग को देखें तो राइट साइड पर आपको क्रूज सिस्टम लगा हुआ नज़र आएगा। इसके अंदर फ्रंट कोलिजन रडार भी है, लेन असिस्ट भी है, प्लस जो सबसे मज़े की चीज़ है इसमें सिंक कंट्रोल भी है। इसी के नीचे आपको पावर का बटन नज़र आ रहा है, अगर आप इसको स्पोर्ट्स मोड पर चलाना चाहते हैं तो पावर का बटन दबा दें और गाड़ी स्पोर्ट्स मोड में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी के साथ लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें तो ये मीटर के सारे कंट्रोल्स हैं, वॉल्यूम भी यहाँ से कंट्रोल होगा और बिल्कुल उसके नीचे अगर आप देखें तो आपको बटन नज़र आएगा जो कि बर्ड आई व्यू का है, यानी कि अगर आप 360 कैमरास को ऑन करना चाहते हैं अपनी स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मीटर कंप्लीट LED के साथ बनाया गया है, इसमें आप स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं, आप डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसके स्क्रीन साइज़ की बात करें जो कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जापान से इंस्टॉल्ड होकर आई है तो ये 12 इंचज़ का इसके अंदर टैब लगा हुआ है। इसी के नीचे देखें तो इतना ही खूबसूरत सिल्वर क्रोम के अंदर डक्ट बनाई गई है जिसे हम एयर डक्ट्स कहते हैं। इसी के नीचे आप देखें तो आपको क्लाइमेट कंट्रोल AC इंस्टॉल्ड नज़र आएगा और साथ ही पुश स्टार्ट बटन दिया गया है। अगर आप नीचे देखें तो आपको 2 बटन नज़र आ रहे हैं, राइट और लेफ्ट, ये हीटिंग सीट्स के हैं। और इसी के साथ आपको USB ऑप्शन दी गई है और HDMI की ऑप्शन भी दी गई है। आपको 1000 CC टर्बो के अंदर मैनुअल भी आप गाड़ी चला सकते हैं और ऑटोमेटिक भी चला सकते हैं, तो स्पोर्ट्स मोड के साथ पावर मोड के साथ इसको मैनुअल चलाएंगे तो ये स्पोर्ट्स कार का मज़ा देगी आपको बिल्कुल। अगर हम इसके केबिन की बात करें तो बड़ा स्पेशियस केबिन बनाया गया है 1000 CC के मुताबिक। लेग स्पेस बहुत मज़े की है, आप मिनी SUV से कह सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको 8 एयरबैग इंस्टॉल्ड मिलेंगे, प्लस इसकी अगर हम कंसोल की बात करें तो एक मिनी साइज़ का कंसोल साथ दिया गया है जिसके अंदर आप अपने मुख्तलिफ गैजेट्स डाल सकते हैं। अगर आप ग्लव बॉक्स को देखें तो ग्लव बॉक्स के अंदर बड़ी अच्छी स्पेस दी गई है, आप अपने डिफरेंट बड़े गैजेट्स भी इसमें रख सकते हैं। अगर हम इसके डैशबोर्ड की बात करें तो बड़ा ही खूबसूरत ट्रांसफॉर्म किस्म का उन्होंने डैशबोर्ड दिया है। अगर आप टोयोटा राइज़ के राइट साइड के पैनल के बटन्स को देखें तो यहाँ पर आपको ऑटो लाइट ऑन ऑफ का बटन मिलेगा, इसी के नीचे आपको अट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिलेगा, इसके साथ कोलिजन रडार का बटन भी है। अगर आप चाहें कोलिजन रडार ऑफ करना तो हम इसको ऑफ कर सकते हैं। इसी के साथ पार्किंग सेंसर जो फ्रंट और बैक पे लगे हुए हैं वो आप अपनी मर्जी से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। फ्रंट डैशबोर्ड के अंदर उन्होंने पैसेंजर साइड के लिए और ड्राइविंग साइड के लिए दोनों साइड पे डक्ट्स के नीचे कप होल्डर्स भी दिए हुए हैं। अगर हम इसके डोर्स को देखें तो यहाँ पर आपको 4 पावर विंडोज मिलेंगे, प्लस आपको रिट्रैक्टेबल मिरर के सारे कंट्रोल्स यहाँ पे मिलेंगे। टोयोटा राइज़ की सीट्स को ऐसे डिज़ाइन किया गया है जैसे किसी स्पोर्ट्स कार्स की सीट को डिज़ाइन किया जाए। छोटी गाड़ी के साथ 1000 CC होने के बावजूद ये ट्विन टर्बो है, इसका पिकअप जो है वो आपकी 1.8 सिविक से ज़्यादा है। इसकी फ्यूल माइलेज बहुत मज़े की है, विद इन अ सिटी ये आपको 18 से 22 देती है, हमने खुद यूज़ करके देखी है, बहुत मज़े की गाड़ी है। ड्राइव कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है, मिनी SUV के अंदर और लो बजट के अंदर इससे बेहतर आपको ऑप्शन कोई नहीं है मार्केट में। बाकी जितनी भी जापानीज गाड़ियाँ आ रही हैं उनके अंदर पंप दिया जाता है स्टेपनी की जगह,
ये वाहिद गाड़ी है जिसके अंदर उन्होंने दोबारा से टायर डालना शुरू कर दिया। 1000 cc में आपके पास इससे बेहतर ऑप्शन कोई भी नहीं है मिनी एसयूवी के अंदर। अगर आप कोई भी जापानीज गाड़ी परचेज करना चाहते हैं, कोरियन गाड़ी परचेज करना चाहते हैं या चाइनीज़ या लोकल गाड़ी परचेज करना चाहते हैं, सिग्मा मोटर पर तशरीफ लाएं। थैंक यू।